आज ही इस वीडियो में आपको ईमेल, बैंकिंग और लिब्रे ऑफिस से महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ आपके लिए कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल या अदर कंप्यूटर्स रिलेटेड जो भी एग्जाम हैं उनके लिए वीडियोस अक्सर लाता रहता हूं। तो अगर मेरे इस चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफ़ी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है आपको। जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है इस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है आपका, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है बताइए, क्या होगा इसका आंसर। आपके ऑप्शंस हैं SMTP, POP, IMAP एंड HTTP। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 1000 प्रश्नों की PDF की लिंक दी है, जिनको भी PDF की आवश्यकता है वो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हम उपयोग करते हैं POP प्रोटोकॉल का। अब यहां पर जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी जान लीजिए आप। सबसे पहले SMTP, तो SMTP का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका POP, ठीक है ना। तो जो ये आपकी POP3 प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। अब यहां पर IMAP दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये देखिए, यहां पर 4 क्वेश्चंस आपके और तैयार हो गए, 4 आंसर आपके, है ना। ये भी आपके एग्जाम में आता है। अब SMTP का उपयोग क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर इसका उपयोग होता है। तो SMTP का उपयोग होता है मेल भेजने के लिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि मेल सेंड करने के लिए, मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, SMTP का, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपके तीनों क्या है, तो ये आपकी ईमेल की प्रोटोकॉल है। एक प्रश्न ये भी आता है कि ईमेल की प्रोटोकॉल कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो SMTP, POP3 और IMAP ये ईमेल की प्रोटोकॉल हैं, ईमेल से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CVV स्टैंड फॉर, CVV का फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरीफाई वैल्यू या कार्ड वेरिफिकेशन। CVV कहां होता है, तो आप अपना ATM कार्ड, डेबिट कार्ड में पीछे देखते हो तो 3 डिजिट का CVV नंबर लिखा होता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है कि CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, या CVV कितने डिजिट की होती है। तो कितने की होती है, 3 की होती है। और CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है, 15, 14, 16 या 12, बताइए कितने का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 16।
डेबिट कार्ड आपका 16 अंकों का होता है, ठीक है ना। डेबिट कार्ड किसको बोलते हैं, तो जो आपका एटीएम कार्ड है उसी को हम डेबिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F4, बताइए साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो साइकिल केस के लिए हम यूज करते हैं यहां पर शिफ्ट प्लस F3 का, ठीक है। देखिए यहां पर राइटर ओपन कर लेते हैं और राइटर में आपको विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि साइकिल केस का क्या उपयोग होता है। यहां पर पैराग्राफ लाने के लिए हमने DT लिखकर F3 प्रेस कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ आ गया। इसको सिलेक्ट करके हम शिफ्ट के साथ में F3 दबाते हैं, क्या दबाते हैं, शिफ्ट F3, ठीक है। तो यहां पर जूम कर लीजिए, है ना। अब जूम करके देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अभी देखिए सब कुछ आपका स्मॉल में हो गया। मैंने फिर शिफ्ट F3 दबाया तो देखिए यहां पर सभी वर्ड्स का पहला लेटर आपका कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। फिर से मैंने देखिए दबाया, अब देखिए सिर्फ सेंटेंस केस में हो गया, पहला अक्षर बड़ा बाकी सभी छोटे। फिर शिफ्ट F3, देखिए अब क्या हो गया, सभी बड़े हो गए। तो साइकिल केस में क्या है, ये लेटर की केस से संबंधित है, ठीक है ना। अपर केस को लोअर, लोअर को प्रॉपर, ऐसे ये चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं मैक ओएस पर, ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लाइनक्स पर, विंडोज सिस्टम पर या लाइनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो लिब्रा ऑफिस को हम लाइनक्स पर भी यूज कर सकते हैं, विंडोज पर भी कर सकते हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, अब नेक्स्ट, इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है, मींस कौन नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है, DSL, टेलनेट, फायरवॉल या हबडक। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, फायरवॉल। फायरवॉल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है। अब यहां पर दिया है DSL, तो DSL का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा था है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर, ठीक है ना, सब्सक्राइबर लाइन होता है इसका फुल फॉर्म। और आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में जोड़ा जा सकता है, .wma, .wmv, .mpeg एंड उपरोक्त सभी, बताइए कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में जोड़ा जा सकता है। तो हम इस फॉर्मेट को भी जोड़ सकते हैं, WMV को भी जोड़ सकते हैं और MPEG को भी जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, उमंग एप्लीकेशन की शुरुआत कब हुई, 23 नवंबर 2014, 23 नवंबर 2015, 23 नवंबर 2016 या 23 नवंबर 2017, बताइए उमंग एप्लीकेशन की शुरुआत कब हुई। तो उमंग एप्लीकेशन की शुरुआत हुई थी 23 नवंबर 2017 को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Shift+1, Ctrl+1, Alt+1 या Ctrl+Alt+1, बताइए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो देखिए यहां पर कैल्क ओपन है और यहां पर कंट्रोल के साथ में हम 1 प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+1। तो Ctrl+1 करने पर आप देख सकते हो कि यहां पर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहां पर आपको नंबर्स, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है
और ये सारी सेटिंग्स आप फॉर्मेट सेल के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस? आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ऐसे सभी जानते हैं आरएसएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में आरएसएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए, रियली सिंपल सेंडिकेशंस, रियली सिंपल सॉफ्टवेयर, रीड सिंपल सेंडिकेशंस एंड रियली सर्विस सेंडिकेशंस। तो आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सेंडिकेशंस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म आपको बहुत पूछाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस या डायनेमिक एड्रेस, बताइए। अगर कोई फार्मूला आप कॉपी करते हो और फार्मूला कॉपी करने पर सेल का एड्रेस ही चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? हम रिलेटिव एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करती है? बताइए, केबल, डायल अप, सैटेलाइट या वायरलेस? तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज करते हैं किसका, जल्दी बताइए। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायल अप। ठीक है ना, डायल अप कनेक्शन का उपयोग टेलीफोन लाइन इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है या किस मेनू में होता है? फाइल, व्यू, एडिट या विंडो, बताइए। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिलता है एडिट मेनू के अंतर्गत। देखिए, यह है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर और यहां पर आपको जूम करके दिखाते हैं, यह है एडिट मेनू और एडिट मेनू में आप देख सकते हो यहां पर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच होती है। ऐसे यहीं पर आपको अंडू का ऑप्शन, रीडू का ऑप्शन, रिपीट का ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, देखिए सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की यहां क्या है, कंट्रोल प्लस वन है। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच है और गो टू पेज के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं, तो इस शॉर्टकट की भी पूछ जाती है। ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? कोड स्टाइल सीट, कॉस्केडिंग सीट्स स्टाइल, कॉस्केडिंग स्टाइल सीट्स या कोड सीट स्टाइल, सीएसएस, बताइए क्या है इसका फुल फॉर्म? तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कॉस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, राउटर किसके समान कार्य करता है? हब, ब्रिज, स्विच या नन ऑफ दीज, राउटर किसके समान कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हब, ये आपका हब की तरह कार्य करता है। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल मिन A1 कॉलन A3 प्लस मैक्स A1 कॉलन A3 का मान क्या होगा, जहां A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 2 एंड A3 इक्वल टू 7 है। देखिए मिन फार्मूला क्या करता है, तो ये सबसे छोटी संख्या बताता है, तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हो गई आपकी 2, फिर प्लस करिए। और मैक्स फार्मूला क्या करता है, यह सबसे बड़ी संख्या बताती है, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है, तो अगर आप 7 में 2 को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 9।
ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये सब काफी पूछाता है। ओसीआर का फुल फॉर्म, ओएमआर का फुल फॉर्म, एमआईसीआर का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और यहां पर आपसे पूछा क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म, है ना। तो ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट, लिब्रो ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। यहां पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर अगर एक नई लाइन शुरू करनी है तो क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है शिफ्ट का यूज, आल्ट का, टैब का या इंटर का। देखिए, यहां पर कैल्क ओपन है आपके सामने, मान लीजिए यहां पर एक सेल है, यहां पर मैंने लिख दिया अभय, है ना। अगर इसी सेल में एक नई लाइन शुरू करनी है तो कंट्रोल के साथ में आप इंटर प्रेस करिए। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल इंटर। तो देखिए, नीचे एक नई लाइन शुरू हो गई है। अब मैंने यहां पर लिख दिया एक्सेल, एक और चाहिए, तो फिर मैंने कर दिया कंट्रोल इंटर, और यहां पर यूज कर दिया मैंने देखो कंप्यूटर। तो अब आपके परिवार का नाम यहां पर लिख गया अभय एक्सेल कंप्यूटर। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, इंटर, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ में इसी का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं? सेंड, कंपोज, ड्राफ्ट या क्रिएट। संदेश या मेल बनाने के लिए, तो बनाने के लिए हम यूज करते हैं कंपोज का, ठीक है ना। कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मैसेज, जो लिखने की विंडो है कंपोज करने की, वो ओपन हो जाती है। वहां पर अपना मैसेज हम लिखते हैं, और लिखने के बाद जब सेंड करना होता है तो हम सेंड पर क्लिक कर देते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न ये आता है कि सेव की गई ईमेल कहां पर स्टोर होती है? तो जिन ईमेल को हम सेव कर देते हैं वह हमारी ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है। मान लीजिए किसी को ईमेल भेजना है, आपने लिखा, लेकिन आप उसे अभी नहीं भेजना चाहते हैं, तो उसे हम सेव एंड क्लोज पर क्लिक करके ड्राफ्ट के अंदर सेव कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, है ना। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछाता है। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है, क्या उपयोग किया जाता है? प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर या पेंटोग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेंटोग्राफ, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 1000 पीडीएफ की लिंक मैंने दी है, तो जिसको भी पीडीएफ की आवश्यकता है वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल दिया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मेरी तरफ से तुरंत मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।